TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं और आज सोमवार है, मार्च की 14 तारीख। सबसे पहले आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नमस्कार, राम राम, खुर उम्मीदा। आज की ताज़ा खबरें आपके लिए और टाइम से हम निकाल रहे हैं, हिंदुस्तानी और हॉलैंड जबान में आपके लिए पेश की जाएगी ताकि आपके समझ में आ जाए। सबसे पहली खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं, कोअलिसी कह रहा है कि स्पुत फरखादरिंग सिटीवासी जो है देश के हालात के सिलसिले में जो लोग फरखादरिंग चाहते हैं यानी सवाल चाहते हैं इसका कोई ज़रूरी नहीं है। और ये कह रहा है भैया पार्लियामेंटारियर कोअलिसी पार्लियामेंटारियन अमजद अब्दुल नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का अखबार को ये बात बता रहा है, क्योंकि गुजरे हुए वीकेंड में ओपोजिशन पार्टी ये मांग किए हैं कि एक फरखादरिंग लगाना ज़रूरी है, जो इकोनॉमिक फिनंशियल इकोनॉमिक सिटीवासी यानी हालात है हमारे देश का, इसके सिलसिले में एक फरखादरिंग यानी कि सभा लगाना ज़रूरी है। लेकिन भैया अमजद अब्दुल का कहना है कि कोई फिनंशियल इकोनॉमिक सिटीवासी इस देश का बढ़िया है, एरिस्किंग क्रिसिस बता रहा कि कोई क्रिसिस नहीं है। जिस तरह से ओपोजिशन ये बात कह रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कोई फरखादरिंग लगाने के लिए, क्योंकि ओपोजिशन और कोअलिसी तमाम बातें जो ज़रूरी रहा, अहम बातें जिस पर रोशनी डालना ज़रूरी रहा तो ये लोग रोशनी डाल चुके हैं, तो इसके इस पर अब रोशनी डालना बेबुनियाद यानी कि वक्त की ज़ाया होगा। तो ये भैया अमजद अब्दुल ये बात बता रहा है। आगे चलकर आपको बताई जाती है कि सनीचर को एक हादसा हुई है, आ रेडिंग और दो मोटर गाड़ी यानी कि ज़्यादा फोनतन आ रेडिंग प्लास स्टेशन दिरीफूर तक तीन मोटर गाड़ी का हादसा हुई इंदिरा गांधी वैक में वालखदाक आ वैक के कोने पर, और बस्तीदार जो है वालखदाक आ वैक से जो आ रहा था यानी कि फोर रंग नहीं दिया तो ये हालात हुई कि ये हादसा हुई है। और दोस्तों मैंने बताए हैं कि ऐसा लगता है कि ये समस्या जो आ रहे दिन यानी कि हमेशा जो हादसा होता रहता है फरकेर यातायात ट्रैफिक में, तो अब ऐसा हो गया है कि ये लोग एक किस्म का न्यूज़ बनाने की हालात हो गया है, यानी कि जिस तरह से लोग कोई तस्वीर बनाकर टांग देते हैं ताकि लोग आकर देखते हैं, तो इसी तरह से तस्वीर बन जाता है अखबार में, सभी लोग देखते हैं। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि ऐसा हो गया है। हमारे देश में रोज़ाना कोई ना कोई हादसा होता रहता है, हादसाओं का देश बन गया है, और इस तरह से भी हादसा हुई है कि बहुत सी इस वीकेंड में बहुत से ऐसी हादसा हुई है, बहुत अफसोस की बात है। आगे चलकर आपको बताई जाती है कि लिमिट फॉर प्रोडक्ट नो द ऑम हमस्त्रंत फॉर कॉमन यानी बताई जाती है वेंकलीर्स मुतन लिमिट स्टैलन फन इन जल द प्रोडक्ट ऑफ लेफ मेदलन अन कॉन्सुमेंट मक कोपन। अब देखो बात यह हो गया कि अब दुकानदारों को एक लिमिट रखना चाहिए। भैया अगर कोई अपने पैसा से देखो न कि आपको अब आज़ादी ये भी नहीं रह गया है कि अगर आप दुकान में जाए और जो भी सामान आप ख़रीदना चाहते हैं आप पैसा देते हैं अपने पैसा से तो जितना आप चाहते हैं ख़रीद नहीं सकते हैं, दुकानदार लिमिट धरेगा आपके लिए कि कितना आप ख़रीद पाएंगे। बहुत अफसोस ये हालत है। और देखो एक भैया कह रहा कि कोई क्रिसिस नहीं है, तो ये क्या है ज़रा लोगों को समझाए ना कि ये क्या है। कहता है कि कोई क्रिसिस नहीं लेकिन ये क्या है न भैया, ये प्रोफेसर लोग हैं और बेहतर जानते हैं, तो लोगों को समझाए कि ये क्या है। तो दुकानदार ये बता रहा है देश मातले के मुद्दे ओफ रहे तू पसन वनर परसोन ओफर खांग तो धामसन फालीफ मिदलन जैक रिदी बालकर ये बात बता रहा है कि भैया बताओ इस वक्त में तो लोगों के पास जो हालात है इस वक्त में इतना पैसा नहीं है, लोग जोर बतोर कर बहुत हिसाब से अपना पैसा को खर्च करते हैं, तो कहाँ से पैसा मिलेगा और ज़्यादा सामान हमस्तर करने के लिए यानी कि ख़रीद कर उसको रखने के लिए, और जो ख़राब होने वाली सामान होता है अगर ख़रीद कर ज़्यादा तौर पर आप रख ले तो क्या होगा, किसका हानि होगा। भैया बहुत अफसोस की बात है, अभी लोग बोलते हैं कि कोई क्रिसिस नहीं है तो देखो क्या होता है। नप अखेंतन रेदन दीजे संतोष क्लेम यानी कि सिपाही नकली सिपाही चोर डाकू लुटेरा सिपाही की यास मारकर जिस पर पुलिस सिपाही लिखा हुआ है, डीजे सांतोस ये बात बता रहा है कि ये सोचा कि कोई सिपाही इनके पास आया और यानी कि जो काम किए थे अपना जो मुनाफा हुआ जो पैसा उनको हुआ था वो इत्मीनान से गिन रहा था कि देखे कि कितना आज के लिए कमा हुई उनका कमाई हुई है और अपना कमाई पसीना गिराकर जो कमाए हैं तो ये पैसा को यानी कि हिसाब किताब कर रहा था, तो आया मोटर गाड़ी से निकल कर एक आदमी जो पुलिस का एक यास पहना था जिस पर पुलिस पीछे में लिखा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि कहाँ इन लोगों को मिल जाता है,
इस किस्म की यास जिस पर पुलिस से लिखा है कहाँ मिल जाता है, तो ये आए इनको लूटे, जितना पैसा कौड़ी वगैरह मोटरगाड़ी की चाबी लेकर बिक दिया, लेकिन ये आदमी बाद में जाकर चाबी को मिला है, लेकिन जितना पैसा वगैरह इनको था उस रात के लिए तमाम की तमाम जो पैसा कमाया है तो लूट कर चला गया है, और बंदूक निकाल कर तान दिया इनके ऊपर कि अगर तुम चिल्लाओगे तो भैया मुसीबत आएगा, तो ये भैया चुपचाप सभी चीज़ दे दिया। यूस्टिस स्टार रे और खानी सासी BBS मिनिस्टेरी फॉर यूस्टिसी रे और खानी सेरी और खानी सासी कर रहा है बफेलिक्स बेस्ट ऑन दिन सूरीनाम का फोर सेतर वर्नीमन डायरेक्टर हेम्फ्री चेनलिप्सी बता रहा है अखबार को कि बहुत से ऐसी चीज़ यानी कि यहाँ पर गड़बड़ी समस्या है यहाँ पर, और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह से इसको ठीक किया जाए ताकि अच्छी तरह से यहाँ पर लोगों को जिस तरह से काम होना चाहिए तो इस तरह से हो। और अमदाद क्वालिटी फन लई देंगे फन बाई बेबी एस फेल तवेंसन ओवरलाद, यानी कि जो लोग यहाँ पर लई देंग देते हैं तो ये लोग जिस तरह से काम होना चाहिए नहीं होता है, और ये सबब है कि यहाँ पर रे और खानी सासी हो रहा है। आगे कल बताई जाती है कि ऑटोबस्टर द नीखंद फर केयर्स दो, मैंने बताया ना कितने हादसा होता रहता हमारे देश में, हादसाओं का देश बन गया है, यानी कि ऑटोबस्टर द अशांति दुखू 29 साल का ये नवी इज द नीखंद फर केयर्स दो फंदे चार या न, तो ये हुई है कि इस साल की ये नवी जिनकी हादसा यातायात ट्रैफिक में हुई है, और ये है शनिचर को एक औरत है नौजवान लड़की आ रही दिंग इंदिरा गांधी वैक फ्रीदर सुलस वैक के कोने पर ये आ रही दिंग हुई है, और ऑफिसर यूस्टिशिया क्लोरिया स्टेरलिंग बफेस्तक देत यानी इसको बता रहा है कि हकीकत ऐसा ही है, और ये नौजवान लड़की यानी कि औरत की हादसा हुई है वफात हुई यानी कि इनका मृत्यु हुई है, और ये हादसा में बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह से होता रहता है। दोस्तों ये भी बताई जाती है एक आदमी जो चोरी करने गया यानी कि चोरी करने के लिए, और यह है मिनिस्टेरी की मैदान पर यानी कि तरेन जो होता है, तो इनको पकड़ा गया है, और देखो सिपाही बुई करके इनको ज़मीन पर रखा है। बहुत खुशी की बात है कि पकड़ा गया है, और ऐसे ऐसे लोगों को सजा वो दे दो कि कभी जुर्रत ना करे। भैया रोज़ाना यही बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब क्या होता है यूसीसी की तरफ से तो रेई और खानी सासी होता है, ये होता वो होता, लेकिन चोर और डाकू लुटेरा के बारे में कुछ कहीं ना कहा जाता है। ये भी तो ज़रा कहे कि जनता को मालूम हो कि क्या होता है यूस्टिसी की तरफ से और क्या होने वाला है। सूरीनाम क्राई 505 तक दर्जन ऑफ बेफंक्स बेहतर तबहरन, यानी कि सूरीनाम को 550,000 $ दिया गया है, और यह अक्तिफेतन कादर फनत रीजनल प्रोजेक्ट यानी कि रीजनल प्रोजेक्ट जो है रे बी से तुए लक यानी कि एक प्रोजेक्ट है, इसके लिए 550,000 $ दिया गया है, और ये बताई जाती है कि ये प्रोजेक्ट इरादा है साल 2020 में इसको अच्छी तरह से बनाने देने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और जो इसमें सामान मिलता है तो ये लोग कोशिश कर रहा है अच्छी तरह से इसमें काम में लगाने के लिए। और बताई जाती है कि दूर जाम फिशरई ट्रॉलर फिशरई बफॉलकिंग्स फिशरई मिनिस्ट्री फॉर लैंड फीतन फिशरई, यानी कि ये बात बताएं अखबार को, ये लोग कोशिश कर रहा है इसको अच्छी तरह से स्टिमुलेट करने के लिए, मतलब ये है अच्छी तरह से करने के लिए ताकि लोगों को और जनता को देश को भी फायदा हो। स्टोरिंग ABS की तरफ से ये हुई है क्योंकि कसाबा होलो और लैदिंग नौ में यहाँ पर 11:13 पर लोग को चिराग नहीं था, स्ट्रोब नहीं था, क्योंकि वहाँ का होक्स पानिंग लाइन जो है ये बिगड़ गया था यानी कि ख़राब हो गया था, तो ये सबब था कि वहाँ पर स्ट्रोब नहीं था लैदिंग नौ वगैरह और आसपास में। ABS ये बात बता रहा है। जैस्तखियार फ्रॉ ब्रो फंतास एक 7 साल की औरत एक कब्रस्तान के सामने खड़ा होकर अपने परिवार की इंतज़ार कर रहा है जो कब्रस्तान में थे कि उन लोगों भी आएगा तो बाकी जो उनको करना है तो उनके साथ मिलकर करते या घर जाते या कुछ भी करते हैं। और यहाँ पर एक आदमी आया और इनके बगल में एक बंदूक लगा दिया, पिस्तौल लगा दिया, और इनसे बोलने लगा अगर तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारे ऊपर मुसीबत होगा, मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। देखो कितना आसान हो गया है, यानी कि सुख को करीबन 4:30 दिन दोपहरे, यानी कि इस औरत को 60 साल की, अफसोस की बात है ना, अफसोस की बात है भैया कि जिसको मान मर्यादा इज्जत देना चाहिए
तो ये जांगर चोर जो होते हैं अपना जांगर को काम में नहीं लगाना चाहते हैं, जांगर चोर आकर लूटते हैं लोगों को, यानी कि बूढ़ा पुनिन जो होते हैं, तो इनको लूटा गया है बंदूक लगाकर है हील फ्राउ हर्षकौदास वैखरक और भाग गया ये स्तप्त दाना इन वित खलाख्त वाहन दी दुक्स का दहात द फ्राउ हाथ इन हरतास फैफ होंद तख्त दुजेंड फीर होंद एरो इतना पैसा मोबाइल टेलीफोन फैफ होंद तख्त दुजेंड फीर होंद भैया देखो इतना पैसा लेकर ये दाम पर घूम रही है। और यूं ही नहीं तो ये चोर डाकू लुटेरा का नाक जैसे स्प्योर होंद होता है, सूंघ लिया कि इतना पैसा है न, तो ये पैसा लेकर इनका भाग गया। तो इतना सहल है देखो, ये लोग अपना बलैत अच्छी तरह से ऐतफूर करते हैं, ये डाकू लुटेरा मैंने बताया ना रापर्स ब्लाइफ इन ब्रांस देखतेन ऑफ फेल्ट स्टॉट प्लाट्स और नामी वो जहाँ पर लोग आते हैं वहाँ पर चीज़ खोजने के लिए जो उनको ज़रूरत पड़ता है, रापर्स जैसे लोग बोलते हैं ना फेल्ट स्टॉट प्लाट्स पर जहाँ पर धोती बिगाया जाता है, तो ये लोग हमेशा आग लगाते हैं और सी सामान वहाँ पर साफ करने के लिए तो हमेशा आग लगा देते हैं। मुदर रैत पवित्र ओंखलो कखरवाइस आन सरमक्का में एक माँ अपनी बेटी को आंदर हाल्फ यार बीफे को इलाका सारा मक्का में यानी कि ख्याल नहीं किया मोटर गाड़ी चलाई ना दुकान जाने के लिए और इनका पवित्र जो है इनका बच्चा जो है मैदान पर यानी कि मकान पर इनके मकान जहां पर मैदान है एरफ उस पर खेल रही थी ख्याल नहीं किया और उसको धक्का मार दिया। तुम सो देखते मैं शवास आन खरीदन इस द पुलिस इन खसकाकत हैथ स्लाख्त ऑपरचेस नॉट स्पुत एस इन द हेल्प खबराक फॉर मेदी से बहांदलिंग यानी कि उसको डॉक्टर के पास ले गया स्पुत एस इन द हेल्प इलाज के वास्ते। मिस हंदल द फ्रॉ रैंथ ब्लोज फुत वह एक औरत 44 साल की बगैर नंगे पाँव भाग रही है क्योंकि इनको मिस हंदल की गई है। जहीब बैर पुलिस फिर क्लार द दमन ऑफ हार आपको अमेत ऑफ सैथ एंड क्रख्त स्कॉप इन हार बेखाफ यानी कि ये आदमी इसको लात से मारा है और इस आदमी को पकड़कर सिपाही अब बंद कर दिया है और मतलब ये है कि ये साख ओंदर सूख हो रहा है क्योंकि धमकी दिया है अगर सिपाही को नहीं इतला करते तो हो सकता शायद इनको मौत के घाट भी उतार देता। विंकलिस्टर इन दोर ओपनिंग ऑफ फॉलन अब देखो क्या होता है दुकान के दरवाज़ा में खड़ी है और वहाँ पर अचानक दो आदमी आया मोटरगाड़ी से ये घूमते भैया देखो कितना धनवान चोर है डाकू हमारे देश का मोटरगाड़ी लेकर घूमते हैं और आकर मोटरगाड़ी खड़ा कर लूट कर बस चले जाते हैं इतना आसान हो गया है न। तो आया इन फाइनेंस तब तो एट एंड किंग इन द विंकल बैच तुरख के रक्त है मत खवेल्थ है टेलीफोन तुस्त हन फन फ्राओ वाना है नार द खरीस्तान द वाह रेंद यानी कि टेलीफोन वगैरह छीन कर और ये भाग गया। हों फेफ तक दुजंद एस आर दी बैठ खमाक और ये है डाकू लुटेरा एक रेस्टोरेंट में घुसा है और 150,000 पैसा चुरा कर भागा है यानी कि कुकरू का जितना वहाँ पर अंदर जाने की खिड़की वगैरह तोड़कर ये लोग गए हैं और वहाँ पर जितना सामान पैसा वगैरह है तो लेकर चले गए हैं। अब सिपाही ये समस्या को ओंदर सुख कर रहा है छानबीन कर रहा है देखो कब पकड़ा जाता है। अभी तक तो जितना डाकू चोर लुटेरा शायद 50 में से एक पकड़ा गया होगा तो बहुत अच्छा बात है भैया। और कानून अगर इसी तरह से रहेगा तो ये लोग जानते हैं कि कोई कुछ नहीं करते हैं तो इसी तरह से होता रहेगा। बहुत अफसोस की बात है कि मेहनत से लोग कमाते हैं अपना रोजी रोटी और डाकू आकर ले जाते हैं जैसे उनका बाप की कमाई हुई दौलत रखा है। बताई जाती है मन का रस्तेर फॉर हाउस फ्री द ब्रेक एक आदमी कार्लो एम सिपाही इनको ले गया पकड़ कर बंद किया है क्योंकि अपने परिवार के अंदर बहुत सी मुश्किलात पैदा करता है और लोग इनके लिए सिपाही के नालिश किए हैं सिपाही के पास तो सिपाही पकड़ कर इनको ले गया है। बहुत सी ऐसी समस्या है दोस्तों जो हमारे देश में होता रहता है और अभी लोग बोलते हैं कोई क्रिसिस नहीं है। भला बताइए भैया अगर नहीं है तो ये भी बात बताओ कि कैसे नहीं है न। और मैंने कोशिश किया तमाम खबरें जो अहम है आपके लिए आज आपके सामने रखने के लिए, जो अहम है दोस्तों ले लेना जो नहीं है तो प्रोल बाग में डाल देना। आप हर एक को और सुब्राया को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़ नमस्कार राम राम अस्सलाम वालेकुम खुदा मेदाख़।